जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में आखिरकार जगह बना ली। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। भारतीय टीम की जीत में उसके गेंदबाजों का सबसे बड़ा भूमिका रहा। दोस्तों आप सभी को बताएं कि गेंदबाजों के दम पर ही बांग्ला टाइगर्स को यहां पर बड़ा टारगेट देने से रोक पाई भारतीय टीम। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मुकाबला एंटीगा के इसी क्लूजी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम ने मजबूत पाकिस्तान की चुनौती को ध्वस्त किया था। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। वैसे तो दोस्तों इंडिया पाकिस्तान होता तो जबरदस्त ही मुकाबला होता। अब बात करते हैं मुकाबले के स्कोर कार्ड हाईलाइट की। 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और उसने बड़े शून्य पर हरनूर सिंह का विकेट गवा दिया। इसके बाद अंगक्रश रघुवंशी और उपकप्तान शेख रशीद ने 70 रनों की साझेदारी कर भारत की राह को आसान किया। रघुवंशी की बात करें तो उन्होंने 65 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 44 रन और शेख रशीद ने 26 रनों की पारी खेली। हालांकि इस पार्टनरशिप को तोड़ने के बाद बांग्लादेश ने विकेट्स चटकाकर वापसी की कोशिश की, जिसमें रिपन मोंडल की बहुत बड़ी भूमिका रही। अंततः भारत ने 30.5 ओवर में 5 विकेट पर 117 रन बनाकर मैच जीत लिया और कौशल तांबे ने शानदार छक्का जड़ के करारा तमाचा जड़ा था। जीत के द्वार तक पहुंचाए बांग्लादेश की ओर से रिपन मोंडल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाई। हुआ यह था दोस्तों, इससे पहले भारतीय कप्तान यशधूल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजन बांग्लादेश की पूरी पारी 37.1 ओवर में 111 रनों पर सिमट गई। रवि कुमार ने 8 ओवर्स के भीतर टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज महफिजुल इस्लाम जो 2 रन बनाकर आउट हुए, इफ्तिखार हुसैन जो 1 रन बनाकर और पी नवरोज नाबिल जो 7 रन बनाकर चलता किया। बांग्लादेश के विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रखते हुए 56 रनों तक उसके 7 विकेट हो गए थे, लेकिन इसके बाद एसएम महरूब और अशिकुर जमा ने 50 रनों की पार्टनरशिप कर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। महरूब ने सबसे ज्यादा 30 रनों की पारी खेली, वहीं एच मोला ने 17 और अशिकुर ने 16 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से रवि कुमार ने सबसे ज्यादा 3 और विक्की ओस्तवाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन कप्तान यशधूल की कप्तानी में टीम इंडिया और निखर कर सामने आ रही है एक दिन प्रतिदिन। और यहां पर दोस्तों बांग्लादेश से 2019 की हार का बदला लेती नजर आई भारतीय टीम, जिसको देखकर सभी काफी उत्साहित है क्योंकि सेमीफाइनल में 10वीं बार पहुंची है टीम इंडिया और ये किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं, बहुत करीब है दोस्तों। यहां पर टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत के लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ती, किस तरीके से अपना आगे का सफर तय करती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी चुनौती होगी टीम इंडिया की, ये देखना होगा दिलचस्प। बात करें इस मुकाबले की प्लेइंग 11 की टीम इंडिया की, तो हरनूर सिंह, अंकरिश रघुवंशी, शेख राशिद, यशजूल, राजबावा, सिद्धार्थ यादव, कौशल तांबे, दिनेश बना, राजवर्धन हंगरकर, विकी ओस्तवाल, रवि कुमार हमें देखने को मिले। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 से महफिजुल इस्लाम, इफ्तिकार हुसैन, इफ्ती, प्रनितिकिर नौरसन, नाबिल, एच मोला, मोहम्मद फहीम, अरिफुल इस्लाम, एसएम महरूब, रकीब बुल हसन, अशिकुर रजमान, तंजीम हसन साकिब और रिपन मोंडल हमें देखने को मिले। अब देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या टीम इंडिया फतेह कर पाती है और वहां से आगे क्या फाइनल का सफर तय कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा दिलचस्प। जो पिछली बार सफर अधूरा रह गया था, क्या वो सफर इस बार पूरा हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।